फ्रेंड्स, ये देखिए आज हम सीखेंगे ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन। ये देखिए, इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, जेंट्स हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, शॉल में, स्टॉल में, देखिए डाल सकती हैं, बनकर बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखिए आगे की साइड से ये इस तरह से दिखता है और पीछे की साइड से ये इस तरह से दिखता है। तो फ्रेंड, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको जो स्टिचेस चाहिए होंगे वो 10 के मल्टीपल से होंगे, प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे। एक फंदा साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए होगा और 2 फंदे एस स्टिच के होंगे। और ये जो डिज़ाइन है ये टोटल 8 रो का डिज़ाइन है। 8 रो के बाद ये डिज़ाइन ओवर हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं ये डिज़ाइन कैसे बनेगा। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 43 फंदे लिए हैं। 40 फंदे 10 के मल्टीपल से लिए हैं, प्लस एक फंदा साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए हैं और 2 फंदे एस स्टिच के हैं। टोटल 3 फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं। और नीचे से बेस देने के लिए इसकी 2 रो उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकाल ली हैं। तो आपने जब भी इस डिज़ाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में डालना हो तो आप नीचे से जो भी बॉर्डर बनाना चाहें वो बना सकते हैं। उसके बाद देखिए कैसे करेंगे। ये इसकी फर्स्ट रो है और राइट साइड है। ये देखिए एस स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा आगे करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग में 4 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1 2 3 4। फिर देखिए धागा पीछे करेंगे और ऐसे 3 फंदे एक साथ लेंगे, ये देखिए, और 3 फंदों को हम 3 बार बुनेंगे, यानी कि 3 फंदों के 3 फंदे बनाएंगे। सीधा बुनेंगे इनको एक बार, ये देखिए एक फंदा हो गया। अब ऐसे धागा लपेटेंगे और फिर से एक बार और इसको सीधा बुन लेंगे। ये देखिए यहाँ पर फिर से हमारे पास 3 फंदों के 3 फंदे हमने बना लिए हैं। कोई भी फंदा कम ज़्यादा हमने नहीं किया है। धागा आगे करेंगे, फिर 1 2 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए स्टार्टिंग का एस स्टिच छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। देखिए 10 फंदों का पैटर्न है। स्टार्टिंग में हमने 4 फंदे उल्टे बनाए, 3 फंदों का के 3 फंदे बनाए, फिर 3 फंदे उल्टे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फंदों का हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। फिर से रिपीट करेंगे, फिर से देखिए 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। ये देखिए सेंटर में हमारे पास टोटल 7 फंदे उल्टे आएंगे, दोनों साइड के 3 फंदे इस साइड के और 3 फंदे इस साइड के करके हमारे पास टोटल 7 फंदे उल्टे आ जाएंगे। धागा पीछे करेंगे, फिर 3 फंदों का एक फंदा सीधा बुनते हुए बनाएंगे, एक धागा लपेटा, 2 फंदे, फिर से सीधा बुनेंगे 3, इसे ड्रॉप करेंगे। अब देखिए 3 फंदे हो गए, धागा आगे, फिर से देखिए 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे देखिए एक साथ ले लेंगे और 3 फंदों के 3 फंदे बनाएंगे, एक धागा लपेटा, 2 और फिर से सीधा बुना 3। फिर धागा आगे करेंगे, 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। धागा पीछे, 3 फंदों के 3 फंदे, एक बार सीधा बुना, धागा लपेटा, फिर दूसरी बार सीधा बुनेंगे। 3 फंदे हो गए, धागा आगे, ये देखिए 1 2 3 फंदे उल्टे। लास्ट में जो हमने एक एक्स्ट्रा फंदा बुना था उसे भी उल्टा ही बुनेंगे। ये 4 फंदे टोटल उल्टे हो गए। धागा पीछे करेंगे, एस स्टिच सीधा। ये देखिए हमारी फर्स्ट रॉ कंप्लीट हो गई है। ये देखिए स्टार्टिंग में इस साइड भी 4 फंदे हो गए और इस साइड में भी
फोर फंदे उल्टे आएंगे, सेंटर में हमारे ये सेवन सेवन फंदे उल्टे आएंगे, फिर तीन फंदों के तीन फंदे बनाएंगे। अब देखिए सेकंड रो है रॉन्ग साइड, एस स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब इस रो में जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बुनेंगे। देखिए वन टू थ्री फोर फंदे सीधे, धागा आगे। अब ये हमने तीन फंदों के तीन फंदे बनाए थे, इन तीनों को उल्टा बनाएंगे, दो और तीन, धागा पीछे, फिर सेवन फंदे सीधे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, धागा आगे, तीन फंदे उल्टे, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन फंदे सीधे, धागा आगे, वन टू थ्री फंदे उल्टे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, वन टू थ्री, लास्ट में फोर फंदे सीधे, थ्री फोर एस स्टिच उल्टा। ये देखिए रॉ सेकंड कंप्लीट हो गई है, रॉ थर्ड राइट साइड। अब देखिए एस स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा आगे करेंगे। स्टार्टिंग में हमारे पास फोर फंदे उल्टे हैं, तो अब हम तीन फंदे इस रॉ में उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे कर लेंगे। ये देखिए आगे की साइड से ये सीधा फंदा है, ये उल्टा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, एक ये सेंटर का फंदा है, सीधा बुनेंगे जाली डालते हुए, फिर से धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा उतारेंगे, टर्न करेंगे, और एक उल्टा एक सीधा फंदा, जाली डालते हुए दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, एक और दो फंदे उल्टे। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। स्टार्ट में हमने तीन फंदे उल्टे बने, फिर दो फंदों का एक फंदा बनाया, जाली डाली, फिर एक फंदा सीधा, फिर जाली डाली, सेंटर में एक सीधा फंदा है, इसके दोनों तरफ हमने एक एक जाली डाली है, फिर दो फंदों का एक फंदा, फिर दो फंदे उल्टे। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से इसे रिपीट करेंगे, फिर देखिए वन टू थ्री फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर सेंटर में हमारे पास टोटल फाइव फंदे उल्टे आएंगे, पहले हमारे पास सेवन फंदे थे, अब फाइव फंदे उल्टे आएंगे। फिर से आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, धागा आगे, सेंटर का फंदा है, इसके दोनों तरफ एक एक जाली डालेंगे, सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, फंदा टर्न करेंगे सीधा, और दो फंदों का एक फंदा जाली डालते हुए बनाएंगे, धागा आगे, फाइव फंदे उल्टे, वन टू थ्री फोर फाइव, धागा पीछे, फिर आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, धागा आगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, जाली डालेंगे, टर्न करेंगे, और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे, फाइव फंदे उल्टे, वन टू थ्री फोर फाइव, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, धागा आगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, जाली डालेंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे, लास्ट में तीन फंदे उल्टे, वन टू थ्री, धागा पीछे, एस स्टिच सीधा। रॉ थर्ड कंप्लीट हो गई है। अब देखिए रॉ फोर्थ रॉन्ग साइड, फिर से एस स्टिच ऐसे उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे, वन टू थ्री, धागा आगे, वन टू थ्री फोर फाइव, फंदे उल्टे, धागा पीछे, वन टू थ्री फोर फाइव, फंदे सीधे। देखिए इस रो में जो जाली वाले फंदे हैं उनको उल्टा बुनेंगे, और सेंटर के जो फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा बना लेंगे, जो सीधे फंदे हैं उनको सीधा बुनेंगे, ऐसे ही ये सारी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, फंदे उल्टे और फाइव फंदे सीधे। रो फाइव राइट साइड,
एस स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा आगे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास तीन फंदे उल्टे हैं, तो स्टार्टिंग में दो फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे। एक उल्टा एक सीधा फंदा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे। ये सेंटर के तीन फंदे सीधे बुनेंगे जाली डालते हुए, 1 2 3, धागा आगे जाली डालेंगे, एक फंदा उतारेंगे, टर्न करेंगे, एक उल्टा एक सीधा फंदा, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे एक फंदा उल्टा। अब देखिए स्टार्टिंग का एस स्टिच छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से इसे रिपीट करेंगे, फिर देखिए 1 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे ही। देखिए सेंटर में अब हमारे पास तीन फंदे हैं, पहले 7 फंदे थे, फिर 5 फंदे थे, अब 3 फंदे रह गए हैं। धागा पीछे करेंगे, फिर से आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, धागा आगे जारी डालेंगे, सेंटर के तीन फंदे सीधे, 1 2 3, धागा आगे जारी डालेंगे, एक फंदा टर्न करेंगे और दो फंदों का एक फंदा जारी डालते हुए बनाएंगे, धागा आगे, फिर से तीन फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, धागा आगे जारी डालेंगे, 1 2 3, फंदे सीधे, धागा आगे जारी डालेंगे, टर्न करेंगे और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, आगे की साइड से दो का एक, धागा आगे जारी डालेंगे, तीन फंदे सेंटर के सीधे, 1 2 3, धागा आगे जाली डालेंगे। देखिए सेंटर के तीन फंदे सीधे बुनेंगे, साइड में दोनों साइड एक एक जाली डालेंगे, धागा आगे जाली डालेंगे और दो का एक बना लेंगे, धागा आगे, लास्ट के दो फंदे उल्टे, स्टिच सीधा। रॉ 5 कंप्लीट हो गई है, रॉ 6 रॉन्ग साइड। फिर देखिए स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, धागा आगे। अब देखिए ये जो सेंटर के हमारे फंदे हैं उल्टे फंदे हैं, उनको उल्टा बनाएंगे, जाली वाले फंदे भी उल्टे ही बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, 1 2 3, धागा आगे, फिर से 7 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे। रो 7 राइट साइड, स्टिच धागा आगे करेंगे। स्टार्टिंग में दो फंदे उल्टे हैं, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक उल्टा एक सीधा फंदा, आगे की साइड से दो का एक बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, सेंटर में 5 फंदे सीधे हैं, इनको सीधा बुनेंगे, इसके दोनों तरफ एक एक जाली डालेंगे। अब देखिए जाली डालेंगे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, धागा आगे जाली डालेंगे, एक सीधा एक उल्टा फंदा उतारेंगे, टर्न करेंगे, दो का एक बनाएंगे। अब देखिए स्टार्टिंग का एस स्टिच छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से इसे रिपीट करेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, धागा आगे जाली डालेंगे और 5 फंदे सीधे, 2 3 4 5, धागा आगे जाली डालेंगे, टर्न करेंगे और दो का एक बनाएंगे, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, आगे की साइड से दो का एक, धागा आगे जाली डालेंगे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, टर्न करेंगे, दो का एक बनाएंगे, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, आगे की साइड से दो का एक, धागा आगे जाली डालेंगे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, धागा आगे जाली डालेंगे और दो का एक बनाएंगे, लास्ट का एक फंदा उल्टा, स्टिच सीधा। ये देखिए रॉ 7 कंप्लीट हो गई है, रॉ 8 रॉन्ग साइड, स्टिच ऐसे ही उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 1 2 3 4 5 6
सेवन, एट फंदे उल्टे धागा पीछे, एक फंदा सीधा, सॉरी नाइन फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, नाइन फंदे उल्टे, ऐसे ही ये सारी रॉ कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारी एट रॉ कंप्लीट हो गई है और हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया है। फिर से हम इसे फर्स्ट रॉ से स्टार्ट करेंगे। देखिए एक बार आप फिर से कैसे करेंगे, धागा आगे करेंगे, वन टू थ्री फोर फंदे उल्टे बनाएंगे स्टार्टिंग में, धागा पीछे करेंगे और तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे सीधा बुनते हुए, एक जाली डालेंगे फिर से सीधा बुनेंगे दो। ये देखिए तीन फंदों के तीन फंदे हो गए यहाँ पर। फिर से धागा आगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन फंदे उल्टे, देखिए सेंटर में सेवन फंदे उल्टे आएंगे और यहाँ पर स्टार्टिंग का एस स्टिच छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए तीन फंदे इस साइड में उल्टे आएंगे और फोर फंदे इस साइड में उल्टे आएंगे, यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। तो टोटल यहाँ पर सेवन फंदे सेंटर में उल्टे होंगे। फिर से तीन फंदों के तीन फंदे बनाएंगे, एक बार सीधा बुनेंगे जाली डालेंगे, फिर से दूसरी बार सीधा बुनेंगे, धागा आगे सेवन फंदे उल्टे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तीन फंदों के तीन फंदे सीधा बुनते हुए, वन जाली डाली टू और थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तीन फंदों के तीन फंदे, धागा आगे लास्ट में फोर फंदे उल्टे, टू थ्री फोर एस स्टिच सीधा। ये देखिए फिर से हमारा डिज़ाइन फर्स्ट रॉ से स्टार्ट हो गया है और ऐसे ही बार बार इसकी फर्स्ट टू एट रॉ रिपीट करते जाएंगे और ये डिज़ाइन बनकर इस तरह से दिखने लगेगा। ये देखिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है फ्रेंड और बनकर बहुत ही प्यारा लगता है। तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।